अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ काजू पिस्ते की मिठाई की रेसिपी लेकर गए हैं। चलिए आपको हम बताते हैं कि उसमें क्या क्या लगता है, आपके उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होता है और कितना हम क्वांटिटी का बना रहे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये है पानी, पानी की क्वांटिटी जब हम बनाने लगेंगे तो हम आपको बताएँगे। ये है शुगर पाउडर 250 ग्राम, ये है पिस्ता पाउडर 100 ग्राम और ये है काजू पाउडर 250 ग्राम और ये एसेंस है 3 से 4 बूंद इसमें ऐड होगा और फूड कलर है, फूड कलर भी हम आपको क्वांटिटी बनाने के वक्त बता देंगे। और 4 स्पून इसमें आप दूध ले लीजिएगा और 2 स्पून इसमें आप घी लीजिएगा और ये है चांदी का तवा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे बनता है। चलिए सबसे पहले तो आप इस पिस्ते को ले लीजिए और इसमें आप 100 ग्राम के लगभग इसमें आप शुगर ऐड कर लीजिए। इसे इसमें शुगर को इसमें इस तरह से आप ऐड कर लीजिए अच्छी तरीके से। चलिए इसे देखिए, हमने शुगर को और पिस्ते को अच्छे तरीके से इसमें ऐड कर लिया और 2 से 3 बूंद आप इसमें एसेंस डाल दीजिए। इसे भी आप अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप ये जो दूध है इसे थोड़ा थोड़ा करके इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिए। इसमें आप फूड कलर ऐड कर लीजिए 1 पीच, ऐसे भी आप अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लीजिए। चलिए देखिए हमारा ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब आप इस तरह से एक डब्बे ले लीजिए और जो डब्बे में थोड़ा सा इस तरह से ग्रीस कर दीजिए डब्बे को। और जिस डब्बे में हमने घी ग्रीस किया है उसे में आप इसको डाल दीजिए। चलिए देखिए इसको हमने स्क्वायर शेप के डब्बे में इसे हमने रख लिया है। अब आप इसे कम से कम 60 मिनट के लिए आप इसे फ्रीज में रख लीजिए और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कैसे बनता है। तब तक हम काजू का मिठाई हम तैयार करके दिखाते हैं। इसे हम 60 मिनट के लिए फ्रीज में रख के निकालेंगे, उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। चलिए हम देखिए, एक कढ़ाई आप ले लीजिए और उसमें आप 1 गिलास पानी ऐड कर लीजिए और ये जो 400 ग्राम शुगर है, शुगर पाउडर, उसे आप इसमें ऐड कर लीजिए। इसकी आप चाशनी रेडी कर लीजिए, हम आपको दिखाएंगे चाशनी इसकी कैसी बनती है, उसके बाद फिर हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। ये देखिए हमारी चाशनी अब रेडी हो चुकी है। अब आप इसमें 2 बूंद एसेंस डाल दीजिए। और ये घी जो है इसे आप इसमें ऐड कर लीजिए। उसके बाद ये जो हमने काजू पाउडर है उसे इसमें आप ऐड कर इसे ऐड करके इसे आप 2-4 हाथ भून लीजिए।
बिल्कुल ये सूखा हो जाएगा, भूनने के बाद हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए अभी हम भून रहे हैं अच्छे तरह से। 60 मिनट के लिए पिस्ते को हमने रखा था फ्रिज में, इसे हमने निकाल के इसे एक प्लेट चॉपिंग बोर्ड पर रख दिया। इसे जो हमने काजू का जो मिठाई तैयार किया था, ये देखिए हमारा ये टेक्सचर आप देख सकते हैं, इस तरह से रखिएगा। और इसे इसी पिस्ते पे आप इसे एक लेयर बना लीजिए, इस तरीके से आप इस पे आप इसे डाल दीजिए। देखिए इस पे आप इसे लेयर लगा लीजिए और उस पर ये चांदी का तवा आप ले लीजिए। तो फिर आप मिठाई की शेप में काट लीजिए। चलिए हमारी देखिए मिठाई हमारी काजू और पिस्ते की रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मेरी मिठाई कितनी अच्छी हुई है। अगर आपको ये दिवाली स्पेशल हमने ये काजू पिस्ता की मिठाई आपको बनाकर दिखाई है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप अपने फेस्टिवल पर जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। और क्या कहें, बस हमें याद कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले फ्री में देख सके। चलिए खुदा हाफिज़।